एक शेर शहीद जिक्र सरकार ने लिखा हुआ आख्या के जड़े इस दुनिया तो चले जान जड़े बुल के अदम ने राई हो जान ते उना मुसाफरा उना राइया फिर मुड़ के इतने नहीं आना उन्होंने राह तकना उन्होंने और डेकां च बहना ये फजूल होना आवाज इतना की जिस वक्त खत्म होनी इस तो बाद हमेशा रहने वाली जिंदगी शुरू हो जानी जिस वक्त मरहूम की दफनाया गया मरहूम ने वीर दोस्त भाई कबर ते जिस वक्त फुल पाने जहन च ख्याल आना कह जाने वाले मुसाफिर है वो नौजवान वीर ए जड़े फुल आज तेरी कबर ते पाए जा रहे असन दिल की ख्वाहिश ए तमन्ना ए आरजू सी के एक दिन ऐसा होवे के फूल हार बना के
तेरे गले विच पाए जान। लेकिन तू इतनी छोटी जिंदगी लेके आया है, वो टाइम आन तू पहला पहला असा ना साथ छोड़ दिता है। जान वाले मुसाफर ने ना सरकार वो जिस तरह कदम बयान की थी जनाब दस गया क्या ओ सजनो लाडा बड़िया लाडा पी
फिर उस बाद दो संगल याद चाहूं अखा के जान वाले दी चले जाने लेकिन उन्होंने यादा बाकी रह जानिया कोई भी खुशी ना मंगा माना जान वाले दिया यादा बेसाखता तड़पाणिया अच्छा कि इंसान जिंदा हो गया तो इस दुनिया में जिंदगी ने किसी मोड़ से मिल जाना चाहे वह कितना ही दूर क्यों ना हो लेकिन दसिया के जड़े मुल्के अदम और रवान हो जाने जड़े इस दुनिया के अलविदा कर देने
ਜਾਣੀਆਂ ਆਸਾ ਉਮੀਦਾਂ ਸਭ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ ਬਈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓ ਸਜਣਾ इसे मौजूद पेश किया अली जाए इसे मकाम निकाल एक गमगीन माना ख्याल भाई वो ख्याल केड़ा राजे दमोद साहब ने लिखा सरकार कुछ इस तरह कलम बयानी की जरा अपना ख्याल Parker!
जमुद कहंदी क्यों नहीं उठदा तेनू उठाना ही आ। इसे मकाम ने गल राजा जमुद साहब इस अगले मकाम ते कुछ इस तरह कलम बयान की थी जनाब रखिया ओ मैं पुत्र नू मां प्या देखे ओ मोए पुत्र नू मां प्या देखे ओ कहंदे जिगर खा गई बेटा गमी तेरी तू ते पल विच मेरे बच्चे नी लंबी उम्र होवे लेकिन तू अचानक तैयारी करी की थी मुल्क आदम वाल जान ली सरकार दसने आख्या यूके तो दोस्त ऑनलाइन ये प्रोग्राम सुनने में अगे इस कबल जरा शेर पेश किया इन्ह परदेसी साथियों ने फिर मैं चंग शेर दोबारा पेश किया जाए नहीं सरकार ने लिखा शेर
सिलसिले चंदिक मिश्रे मिया साहब ने सदर मलोक दे रंग अलविदाई सिलसिले पेश कर सा फिर उस बाद दोस्तों के लिए जाते चाहसा अल्लाह पाक अदील मरहूम की जन्नत दी जाला मुकाम अता फरमान और उन्होंने लवाई की माँ बाप भैन भरा और सारे खानदान वाले की सबर करने की तौफीक अता फरमान अलीजा सियाणिया लोगों का एक कौल है कि मरण वाले बंदे नाल मरण नहीं होना ये दुनिया ने एक सिलसिला है कि हस्बे वादा हर एक इंसान ने इस दुनिया की छोड़ना ये दुनिया एक स्टेज है इस स्टेज पे हर एक आदमी आना बारो बारी नाल अपना एक रोल अदा करना टूरी जाना अज असा जिस तरह किसी ने याद बच्चे शेर पढ़ने पे हाँ तुसा सुनने पे हो कल असन याद तुसन याद कोई शेर पढ़ना उसी तो साड़ी जगह कोई और शेर पढ़ने ला कोई और उसी तो तुसन जगह सुनने ले कोई और उसन ये दुनिया ने एक सिलसिला है अल्लाह पाक असा की अगले जहानी तैयारी करा नहीं तौफीक अता फरमान क्योंकि इस जिंदगी चार दिहाड़े नहीं एक खेल है उस बाद जड़ी असल जिंदगी है उस तो तुसा बाखूबी वाकफ हो ये दुनिया मुसाफर खाना मियाँ साहब ने क्या बात है सरकार फरमाया कि हे दुनिया मुसाफर खाना कोई आवे कोई जावे किस दीत है जुरत मोहम्मद जो पक्के डेरे लावे ये दुनिया एक मुसाफर खाना है मुसाफर खाने ते आदमी आना इंतजार कर रहा मुसाफर खाना प्रॉपर रहने वाली जगह नहीं दुआ है कि अल्लाह पाक इस मरहूम दोस्त साढ़े भाई की जना कल फरदोस की जगह का फरमान चंद एक मिश्रे मियाँ साहब ने अलविदाई सिलसिले पेश कर सन फिर दोस्तों को इजाजत अगर असा को कोई गलती गुस्ताखी हो गई हो गए अस ने शेर पढ़ने नाल ते जान वाले ने कमी नहीं पूरी होनी नहीं उसने केशो अकार अपने गमी कोई कमी आ सकनी लेकिन असा दुआ गो हाँ कि अल्लाह पाक अदील मरहूम ने वालदेन की सबर करा नहीं तुसी कथा फरमान ते दौराने महफल अगर कोई गलती गुस्ताखी हो गई होवे ते असा माजरे चाहने या किसी संगी दोस्त ने मियार के मुताबिक असा पूरा ना उतर सकिए तो फिर भी माजरत क्योंकि महफल एक मुख्तलिफ अंदाज है ते हुण अलविदाई सिलसिले मियाँ साहब ने चंद मिसरे पेश कर सकते दोस्तों के लिए इजाजत चाहता हूँ सदा सदा आया थी आंदा